सक्सेसफुल लोग अपना टाइम मैनेज जो करते हैं उसमें अपने डेज मैनेज करते हो, और डेज में मैनेज करके वो टाइम मैनेज करके रिजल्ट्स कैसे लाते हैं उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, के मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यह हमारे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, यह हमारा मिशन है। सक्सेसफुल लोग अपने पूरे दिन जो है वो तीन में डिवाइड करते हैं, मतलब उनका टाइम जो है वो तीन में डिवाइड होता है जब हम दिनों की बात करते हैं। तब एक है बेस्ट रिजल्ट्स डेज, जिसमें वो बेस्ट रिजल्ट्स लाते हैं। नंबर दो प्रिपरेशन डेज, और नंबर तीन रेस्ट एंड रिक्रिएशन डेज। तभी हम बात करेंगे बेस्ट रिजल्ट्स डेज की। तो बेस्ट रिजल्ट डेज मतलब क्या है? बेस्ट रिजल्ट डेज इसका मतलब ऐसा है कि वो दिन जिस दिन इनका बेस्ट रिजल्ट डे होगा, वो दिन ये लोग वो काम करते हैं कि जिसमें उनको मैक्सिमम रिजल्ट्स आते हैं। तो वो दिन वो कोई प्लानिंग करेंगे नहीं, वो दिन अपना टाइम गंवाएंगे नहीं, वो दिन वो रिक्रिएशन करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। वो दिन वो सिर्फ एक्शंस 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 एंड एक्शंस करेंगे। और एक्शंस कौन सी? जो एक्शन में उनको मजा आती है, जो एक्शंस उनकी पैशन है, जो एक्शन में वो थकते नहीं हैं, जो एक्शन में उनको बहुत एन्जॉयमेंट मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, वो एक्शन करते हैं। और ये पैशनेट वाली जो एक्शन है उसमें मज़ा भी आ रहा है, आनंद भी ले रहे हैं, थकते भी नहीं है और पैसा भी मिल रहा है। मतलब इस तरह का जो पैशनेट वर्क उनका जो है वो करते रहते हैं और वो इसमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेस्ट रिजल्ट डेज। अब सेकंड स्लॉट जो है डेज का वो है प्रिपरेशन डेज। और प्रिपरेशन डेज इसका मतलब ये है कि वो दिनों में वो प्रिपरेशन करेंगे, मतलब उस दिन वो परफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कि जो हमको प्रेजेंटेशन करना है, जो परफॉर्मेंस देना है, उसके बारे में प्लानिंग। फिर उसमें माइक्रो मैनेजमेंट में जाके वो प्लानिंग करेंगे। ये प्रिपरेशन डेज में ये भी होता है कि भाई नई नई स्किल्स सीखना, सेमिनार्स अटेंड करना, वर्कशॉप्स अटेंड करना, टेप्स या वीडियोस सुनना, बुक्स पढ़ना, कोई प्रैक्टिस करना, फिर कागज पेन लेके पूरा माइक्रो मैनेजमेंट करना, लोगों के साथ में चर्चा करना, ऐसा पूरा मतलब वो प्लानिंग करेंगे कि जिसमें वो एक 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 माइन्यूटली वो चर्चा करके जब रिजल्ट्स डेज जो है जहाँ परफॉर्म करना है उसमें क्या होगा उसका पूरा ब्लूप्रिंट वो निकालते हैं। और वो है प्रिपरेशन डेज। और उसमें वो इतना अच्छा प्लानिंग करते हैं कि जब एक्चुअली परफॉर्म करने का मौका आएगा तब आपको रुकने का कार्यक्रम ही नहीं, कोई मतलब कोई ये नहीं बनता है कि भाई अपने को रुकना पड़े, सब क्योंकि इतना अच्छा प्लानिंग किया रहता है कि खट 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 रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये हो गया सेकंड स्लॉट है प्रिपरेशन डेज वाला। अब तीसरा स्लॉट जो है वो है रेस्ट एंड रिक्रिएशन डेज। अब ये जो दिन है ये समझो आपने एक हफ्ता या दो दिन या चार दिन जो भी आपने मार्क किए होंगे, तो ये दिनों में आप सिर्फ आराम करेंगे, मतलब ना उसमें बिजनेस मीटिंग करेंगे, ना फोन कॉल्स लेंगे, ना कोई स्टाफ को मिलेंगे, मतलब वर्क रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी आप करेंगे नहीं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसीज, क्योंकि कोई एकदम सीरियस है, कोई बाढ़ आई हुई है, कुछ आग लगी है, मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी है तभी आपको लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको लोग कॉन्टैक्ट करेंगे नहीं। होता क्या है कि जब आप अवेलेबल है तो आपके स्टाफ के लोग आपको थोड़ी थोड़ी बात के लिए आके पूछते रहते, अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ, और आप भी उत्सुकता से उनको बताते कि अभी ये कर, अभी वो कर, मतलब डूइंग में सब काम चलते रहता है। और उनको मालूम है कि बॉस अवेलेबल है तो वो आपके पास में आते रहते हैं और पूछते रहते, स्टाफ जवाबदारी लेता नहीं है। यदि आपने उनको बोला कि एक्सेप्ट इमरजेंसीज है तभी मुझे कॉन्टैक्ट करना, तो उसमें होगा क्या, स्टाफ भी अपने आप डेवलप हो जाएगा। छोटे छोटे डिसीजंस लेना, फिर बड़े बड़े डिसीजन लेना, उसमें उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना जरूरी है। जब स्टाफ को ही मालूम पड़ेगा कि हमको डिसीजन लेना है खुद को खुद, बॉस नहीं है, हमको उनके पास में जाने का नहीं है, और डिसीजन आपने लिया, गलती हो गई, नुकसान हो गया, तो भी अलाउड है, गलतियों से सीखना अलाउड है, बिल्कुल सीखो, गलती करना भी अलाउड है और सीखना भी जरूरत है, मगर एक गलती दोबारा मत करो। तो
तो ये नहीं, आपने स्टाफ को बता दिया है कि बिल्कुल गलती करो, गलती करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी गलतियाँ करेंगे आपको शाबाशी मिलेगी, तो गलतियाँ करो, इसका मतलब डिसीजंस लो, जवाबदारी लो, काम करो, और बॉस के पास में बार 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 मत जाओ, इसमें वो ट्रेन हो जाएंगे और आपके जो रेस्ट एंड रिक्रिएशन डेज है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जब आप रेस्ट एंड रिक्रिएशन से वापस आएंगे तो आपको दिखेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोग अच्छे काम कर रहे हैं और धंधा आगे बढ़ रहा है, ये आपको दिखेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप रेस्ट एंड रिक्रिएशन डेज पे जाते हो तो उस समय अपने बच्चों को भी लेके जाने का नहीं, बच्चों की केयर लेने के लिए आपके पास में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे, दादा दादी नाना नानी अंकल जो भी कोई है, नहीं तो फिर बाजू वाले नेबर्स हैं उनके पास में आप बच्चे छोड़ देते हो। इससे फ़ायदा यह है कि बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आपको भी दिमाग को शांति मिलती है। हो सकता है कि यह हफ्ते में आपने आपके बच्चे बाजू वालों के पास में सौंपा दिए, अगले हफ्ते में उनके बच्चे आपके पास में रखे, वो रेस्ट एंड रिक्रिएशन डेज पे जा रहे हैं, तो ऐसा एक्सचेंज भी कर सकते हैं आप। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप रेस्ट एंड रिक्रिएशन करते हो, आराम करते हो, वापस जब आते हो तो आप एकदम उत्साही रहते हो, बहुत एनर्जी रहती है, जैसा कुछ विटामिन खा के आए और बहुत एनर्जी लेके आए ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। फिर आने के बाद में आप बहुत वीगर वाइटलिटी से काम करोगे, बहुत उत्साह से काम करोगे, नई नई आइडियाज़ आ जाएगी। जब आप छुट्टी पे रहेंगे तभी भी आपको आइडिया आ सकती है नई नई, वो नोट डाउन करके रखो, आपने सिर्फ नोट डाउन करना है, जब वापस आएंगे तो आइडिया फिर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आने के बाद में आपको जो जोश उत्साह जुनून जो भी आपको ऐसा लगेगा नहीं अभी मैं कुछ काम कर सकता हूँ, तो देखो आने के बाद में बहुत मज़ा आ जाएगा। देखो वीकेंड से यदि आप ऑफ लेते हैं तो वैसे भी आपके शनिवार रविवार समझो आप ऑफ लेते होंगे तो 104 तो साल के वही हो गए, 104 छुट्टियाँ है ना, कि जिसमें आप वीकेंड ऑफ ले रहे, दोनों भी दिन ऑफ ले रहे, और बीच बीच में समझो आप ऑफ लेते हो तो 104 प्लस और 51 ऑफ बीच में हो सकते हैं, कि जिसमें आप और मज़ा कर सकते हैं, एन्जॉयमेंट कर सकते हैं लाइफ का, और उसमें फिर आने के बाद में बहुत ताकत से बहुत स्पीड से आप काम कर सकोगे। तो यह है रेस्ट एंड रिक्रिएशन डेज का, और यह भी आपने करना बहुत ज़रूरी है ताकि आने के बाद में आपको बहुत काम करने मज़ा भी आ जाएंगे, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ेगा, और धंधा बिजनेस आपका वो भी बहुत आगे बढ़ता जाएगा। लोग छुट्टियां लेते नहीं हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि छुट्टी में लूँगा तो मेरा जॉब खतरे में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप बहुत अच्छा काम करते होंगे और आप जॉब में इंडिस्पेंसेबल है तो कोई एम्प्लॉयर आपको निकालेगा नहीं। बिजनेसमैन को लगता है कि मैं जाऊंगा तो मेरा धंधा धंधा चौपट हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। यदि आपने सिस्टम लगा के रखी है और बिजनेस ऑटो पायलट के ऊपर है तो आप गए भी तो भी कुछ बुरा होने वाला है नहीं, तो आप इस तरह से आपका टाइम मैनेज करते हो, लाइफ में मज़ा भी आ जाएंगी, लाइफ जीने में मज़ा आ जाएगा, और एक लाइफ ऐसी जिएंगे कि जो लाइफ जीने में मज़ा आ रहा है और लोगों को भी आप मज़ा दे रहे हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। हमारा मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।